हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और आज मैं बताने जा रहा हूँ कट ऑफ मार्क्स NIT और IIIT के लिए। सबसे पहले तो मैं JEE मेंस की कट ऑफ की वीडियो बना रखी है मैंने, जो IIT के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप जाके उसे देखें या फिर आप वीडियो में विजिट चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं। और आज मैं बताने जा रहा हूँ NIT और IIIT की कट ऑफ कितने जाने वाली है। जिन बच्चों को IIT नहीं मिल पाता है या पसंद की स्ट्रीम नहीं मिलती है CS ब्रांच से या किसी और अच्छी ब्रांच से नहीं मिल पाती है, तो वो IIT या IIIT में कैसे जा सकते हैं, क्या कट ऑफ जाने वाली है इस बार 2019 में उसकी, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे NIT और IIIT का सारा प्रोसेस, सारी कट ऑफ पता चल जाए, पिछली बार क्या जा रही है, इस बार क्या जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट NIT है वो है आपका NIT अगरतला, जिसकी कट ऑफ हम देखें तो जनरल की 90 to 100 जाती है। देखो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है ऊपर नीचे, 90 to 100 है, 100 से 105 हो सकता है, लेकिन 90 से 85 हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 90 से 100 जाती है जो जनरल की जाती है। आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप देख सकते हैं 75+ जाती है, और SC की और ST की लगभग बराबर चली जाती है, 65+, 1-2 नंबर का अंतर आता है लेकिन लगभग बराबर जा रही है। तो आप देख सकते हैं NIT अगरतला आपको मिल जाएगा 90 to 100 मार्क्स। अब आप कहेंगे मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो आपने या तो आंसर की से मैच कर लिया होगा, अगर आपने नहीं करा है तो आंसर की अभी जाके डाउनलोड कर लें, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। और नहीं तो आप अपनी परसेंटाइल से भी अपनी रैंक निकाल सकते हैं, उससे अकॉर्डिंग भी आप देख लेंगे। तो NIT अगरतला का आप समझ गए होंगे, क्योंकि जनरल की है 90 to 100, OBC की 75+, SC की 65+, ST की 65+। ऐसा हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में आपको ना मिले, मेरिट लिस्ट में जैसे कि CS की थोड़ी हाई चली जाए 130-140, लेकिन आपको और ब्रांचेस ज़रूर मिल जाएंगी, जैसे कम्युनिकेशन, बायो केमिस्ट्री और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, कोई ना कोई सी ब्रांच तो मिल ही जाएगी हो सके। और अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पर जो IIT NIT रायपुर की, NIT रायपुर की जो कट ऑफ जा रही है वो भी लगभग सेम जा रही है जनरल की, 95+ ही जा रही है, 95 से कम नहीं जा रही है NIT रायपुर की, क्योंकि इसका कैंपस जो थोड़ा अच्छा भी है, तो फिर NIT रायपुर की ज़्यादा जाती है, OBC की 70+ जा रही है। देखो रैंकिंग तो NIT रायपुर की सेकंड पे, लेकिन NIT रायपुर का जो कैंपस है वो अच्छा माना जाता है बाकी NIT से, तो इसकी तो आप देख सकते हैं जनरल की 95+ है, OBC की 70+, और SC ST की लगभग इसकी 60+ जा रही है। तो आप यहाँ से रायपुर का जो, अगर रायपुर में भी आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि रायपुर NIT रायपुर भी एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। और ऐसा हो सकता है 95 पे वही प्रोसीजर, आपको CS ना मिल पाए, थोड़ी मनपसंद स्ट्रीम ना मिले, लेकिन आपको अच्छी स्ट्रीम्स मिल जाएंगी, और मैं बाकी मेरिट के ऊपर बात हो सके आपको CS भी मिल जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम NIT गोवा, जो NIT गोवा है उसकी भी लगभग बराबर जा रही है जनरल के लिए, तो 90+, यानी कि आपको 90+ तो सिक्योर करना ही, 90-100 तो आप आ गए, तो आप एक सिक्योर वे में कि आपको अच्छा NIT मिल जाएगा। और OBC की 65+, SC की 55, SC ST की यहाँ थोड़ी कम जा रही है 55+, तो आप देख सकते हैं अगर आप OBC कैंडिडेट हैं 65+ NIT गोवा, अगर आपके 65 to 70 मार्क्स हैं तो आप पहले तो ट्राई किए रायपुर वगैरह मिल जाए, नहीं तो फिर आप गोवा भी एक अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट देखते हैं NIT मणिपुर, जो NIT मणिपुर है इसकी जनरल की कम जाती है, मणिपुर की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी कम है, वो बाकी कॉलेजेस जितनी अच्छी नहीं है, तो आप देख सकते हैं NIT मणिपुर जो है उसकी कट ऑफ थोड़ी कम जा रही है, जनरल की 85+ जा रही है, OBC की 65+, SC की 50+ ही, 50 के अप्रॉक्स चली जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे NIT मणिपुर की प्लेसमेंट थोड़ी कम है बाकी कॉलेज से, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा। अगर आपको पहले अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप उसे ले लीजिए, अगर प्राइवेट में कोई अच्छा मिल रहा है तो उसे ले लीजिए, NIT मणिपुर को बाद में ट्राई करिए। और वैसे भी और इसमें आपको CS जो आसानी कम नंबर्स में मिल सकती है, हो सके आपको 100 मार्क्स पे कट ऑफ चल जाए और आपको यहाँ पे CS मिल जाए, तो ये इस कॉलेज की अच्छी बात है। अगर आपको CS मिलते हैं तो ही आप इससे करें, आप फिर और मैकेनिकल वगैरह अच्छी ब्रांच मिलती है, कम्युनिकेशन जब ही करें, क्योंकि और नीचे की ब्रांच होगी तो इस कॉलेज की प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। और मैं कहना चाहूँगा आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अभी मैं IIITs की बात भी करूँगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ, इसलिए अब वीडियो में बने रहें। नेक्स्ट देखते हैं हमारे IIITs, अब हम IIITs का देखेंगे, जो फर्स्ट IIIT है वो भागलपुर, IIIT भागलपुर। देखिए IIIT की कट ऑफ और कम जाती है NIT से भी, लेकिन किसी किसी केस में चली जाती है, जैसे कि कोई अच्छा IIIT होगा ये मैं बताऊंगा।
तो इसमें IIIT भागलपुर में जो गई जनरल की 70+, तो आप देख सकते हैं इजीली नंबर आ सकता है इसमें। OBC की 55+, SC की 45+, ST की 45+, तो यानी कि इसमें बहुत कम जा रही है। अगर आपका NIT में भी नहीं होता तो कुछ बच्चे पता नहीं होता उन्हें, वो प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं, आप IIIT में ट्राई कर सकते हैं, इसमें हो सकता है आपका इजीली। नेक्स्ट देखते हैं IIIT रांची, इसकी जो है हाई जा रही है, क्योंकि रांची एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, रैंकिंग इसकी बेशक सेकंड आई रही IIIT में, लेकिन IIIT रांची जो है बहुत अच्छा कैंपस है, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स हैं इसमें, तो इसकी कट ऑफ हमेशा हमेशा हाई जाती है। इसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जनरल की इसमें 85-90 चली जाती है जो NIT की जाती है, OBC की 70+ जाती है जो कि जनरल में जा रही थी IIIT भागलपुर की। तो IIIT भागलपुर से अच्छा माना जाता है, अगर आपको रांची मिलता तो ये बहुत अच्छी बात है, ये भागलपुर से अच्छा है। SC की 60+, ST की 55+, तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, जैसा कि 2018 में थोड़ा बिटर टफ पेपर था, तो हो सकता है कट ऑफ कम गई थी, और 19 में जो पेपर थोड़ा ईजी है तो हो सके थोड़ी सी 5-4-5 मार्क्स थोड़ी ऊपर चली जाती है, यही अंतर बैठता है, बाकी मैं रेंज बता रहा हूँ इसी रेंज में जाती है। नेक्स्ट देखते हैं IIIT कोटा, जो आपका IIIT कोटा एक नया कॉलेज है ये, और इसकी कट ऑफ काफ़ी अच्छी मानी जाती है, एक तो आपका एरियाई एजुकेशन हब है ये, और IIIT कोटा इसका शायद किसी NIT में इसकी क्लास चलती है तो, और ये इतना अच्छा है जनरल के, देख सकते हैं आप 100+ जा रही है, NIT इसको टक्कर दे रहा है, जनरल की आपकी 100+ जा रही है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा कॉलेज है। इसमें आपको CS ब्रांच लेने के लिए बहुत ज़्यादा थोड़े ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। OBC की 82-85 जा रही है, तो इसकी कट ऑफ हाई जाती है, और ये एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, IIIT कोटा इज़ अ गुड कॉलेज। देन देखते हैं आज का हमारा लास्ट जो है IIIT UNA, IIIT UNA जो है वो है, वो भी एक अच्छा कॉलेज है, लेकिन कोटा ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और कोटा के बाद देन रांची, फर्स्ट पे कोटा रांची ये हैं, फिर UNA ले सकते हैं, फिर देन भागलपुर, और उसके बाद आपको और कॉलेज मिलते हैं तो आप IIIT और उन्हें नहीं लीजिए, क्योंकि उससे उसकी प्लेसमेंट बहुत कम हो जाती है, उसमें भी CS मिल रहा है तो थोड़ा बहुत सही भी है, नहीं तो बाकी ब्रांचेज में तो आपका प्लेसमेंट बहुत गिर जाएगी, और फिर आप जानते हैं जो हायर पेड कंपनीज होती हैं वो फिर ऐसे नहीं आती। जो IIIT UNA उसका देख लेते हैं, जनरल की 95+ है, तो ये भी एक ऊंची कट ऑफ जाती है यहाँ पे भी। OBC 80+, SC 65 जो 70, ST 65, तो यहाँ पे भी एक हाईएस्ट कट ऑफ जा हाई कट ऑफ जा रही है, तो इससे अच्छा ही होगा आपकी इतनी आ रही तो आप अच्छा NIT मिल जाए, लेकिन IIIT रांची या फिर कोटा मिलता तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, आज की वीडियो ख़त्म होती है, और आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आगे मैं किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ, किस कॉलेज की बनाऊँ। मैंने DU की भी बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं, DU का फुल एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है, और आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा। बाय।